इस सीन में स्कॉट एंड एडवर्ड एक दूसरे से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो एक डिफरेंट टाइप का रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं जो कि 1920 के दौर में सोल्जर्स यूज किया करते थे। एंड एक्चुअली में अगर आप गूगल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मूवी की टाइमलाइन 1920 की ही है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर 1920 के रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस एज इट इज दिखाए गए थे। वेल ट्रिपल आर से मैंने ऐसी बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट की है जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। इस राम इस सीन में बच्चे को बचाने के लिए भीम को एक प्लानिंग बता रहा होता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे जब राम इस फील्ड में आता है तो इस अकेले सीन में 9 डिटेल्स को दिखाया गया है। एंड आई एम डैम श्योर ये डिटेल्स आपने नोटिस नहीं की होगी। हे गाइस, मिस्टर मिस्टेकर इज हियर। इस बार मैंने ट्रिपल आर 0.25x की स्पीड से देखी एंड इसमें मैंने 25 ऐसी डिटेल्स कलेक्ट की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। आई एम सॉरी गाइस डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यही है मिस्टर मिस्टेकर। तो यार वैसे मैं 100 के पर अपना फेस रिवील करने वाला था, मैं एज यूजुअल लेट हूं। आई होप सो आप इस फेस को एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पर ये इतना ही था, अब चलो काम की बात कर लेते हैं। जैसे कल ही आदिपुरुष का ट्रेलर आया था तो मैंने उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखा था, तो उसमें मैंने ऐसी 2-3 चीजें नोटिस की हैं जो कि वो लोग छुपाना चाह रहे। जैसे यहाँ पर जब रावण वाला सीन आता है तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो उसी हेयर कट को। आई मीन उसके साइड में हेयर पर कट लगा हुआ है। एक बात तो जाहिर है, उसके लुक में कहीं भी चेंजेस नहीं किया गया एंड दैट्स व्हाई उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया। हाँ तो मिस्टर्स बताओ, आदिपुरुष के ट्रेलर पर डिटेलिंग वीडियो बनाऊं या नहीं? चलो फेस रिवील हो गया, बैक टू द वीडियो। नंबर 1, इस सीन में भीम मल्ली को देने के लिए एक बैंगल बना रहा होता है एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे उस पर वो एक डिजाइन प्रिंट करता है। एंड इस सीन में जब ये बैंगल मल्ली को मिलता है तो इसको देखकर वो थोड़ा हैप्पी फील करती है, लेकिन अगर आप इस डिजाइन को देखोगे तो यही सेम डिजाइन मल्ली की माँ के हाथ पर एज ए टैटू बनी होती है। एंड एक्चुअली मल्ली इस बैंगल को देख के नहीं बल्कि इस डिजाइन को देखकर हैप्पी हो जाती है। एंड ये डिजाइन मल्ली के लिए एक मैसेज की तरह था जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे कोई रेस्क्यू करने के लिए आया है, जिसे भीम ने स्मार्टली बनाया था। एंड लिटरली दिस इज द बेस्ट डिटेल ऑफ RRR। नंबर 2, दिल्ली के आउटस्कर्ट फील्ड में कुछ लोग बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर राजू जब एक सरदार को पकड़ने के लिए इनके बीच में उतरता है तो इन्हीं में से एक पर्सन ने राजू के सिर में एक पत्थर मारा था। वेल नॉर्मल स्पीड में देखने पर ये सीन बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन अगर मैं इस सीन को स्लोमो में दिखाऊं तो यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस करोगे ये एक्चुअली में एक फॉर्म थी। नंबर 3, जब भीम को स्कॉट फाइनली पकड़ लेता है तो इस सीन में स्कॉट उसे कुछ सजा देने की प्लानिंग कर रहा होता है एंड इसी सीन में स्कॉट की वाइफ की हमें एक विश दिखाई जाती है जो कि कुछ ये थी। I want to see him bleed। एंड यहाँ पर भी वो भीम को मारने के लिए एक नुकीला कौड़ा देती है। वेल SS राजामौली ने इस मूवी के थ्रू कर्मा को बहुत हाईलाइट करके दिखाया है। वेल जैसी कैथरीन की विश थी भीम को मारने के लिए, सेम वैसे ही मूवी के लास्ट में ये हमें कांटों में लिपड़ कर मरती हुई दिखाई जाती है एंड ये फोरशैडो कर रहा था कर्मा को। नंबर 4, इस सीन में एडवर्ड यहाँ पर कुछ मीटिंग कर रहा होता है एंड जब मैं इस सीन को स्लोमो में देख रहा था तो इस ब्रिटिश मैप में मैंने एक क्राउन को नोटिस किया जिसके नीचे कुछ लाइन लिखी हुई थी जो कि ये थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द इंग्लिश एम्पायर। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो स्कॉट का ब्लड इसी क्राउन इसी लाइन पर आकर गिरता है एंड दिस इज इंडिकेटिंग नाउ द सन सेट्स ऑन द इंग्लिश एम्पायर। नंबर 5, इस सीन में भी स्कॉट के बंगले पर हमला करता है इन जानवरों के साथ। लिटरली में ये सीन थोड़ा गूज़बम्प भी दे रहा था एंड थोड़ा क्रिंज भी था। आई मीन टू से भीम ने एक ही पिंजरे में लायन को भी डाल दिया, लेपर्ड को भी डाल दिया एंड कमाल की बात यह है इसी पिंजरे में से ये दो चमन भी निकल के आ रही थी जो कि इनका फेवरेट खाना था। मतलब यार मैं जब इस सीन को देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि घोड़े ने घास से दोस्ती की तो की कैसे। वेल बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर सबसे अच्छी डिटेलिंग बात ये थी SS राजामौली ने यहाँ पर स्वयं डियर को भी दिखाया है जिसका शिकार स्कॉट अक्सर किया करता था। आई मीन एक दिन में 10-12 स्वयं डियर को वो मारता था एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था इस मूवी में कर्मा को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे ये स्वयं डियर स्कॉट की आर्मी को मार रहे थे। एंड लिटरली गाइस ये डिटेल बहुत असम थी। नंबर 6, जब स्कॉट राजू को पकड़ लेता है तो वो संस्कृत में कुछ बोल रहा था, कर्मण्ये वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदा चला माँ कर्म फल हे दुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि। एंड एक्चुअली में वो गीता के चैप्टर 2 वर्स 47 से ये वाला श्लोक बोल रहा था। नंबर 7, इस सीन में स्कॉट एंड एडवर्ड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो अगर आपने इस सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा हो तो वो कोई डिफरेंट टाइप का टेलीफोन या फिर कहीं वॉकी टॉकी यूज कर रहे थे। आई मीन
आप यहाँ पर एक बड़ी सी सिग्नल मशीन देख सकते हो। एंड नॉट ओनली स्कॉट के सीन में बल्कि एडवर्ड के सीन में भी आप इस मशीन को नोटिस करोगे। आई मीन मेरे लिए भी ये चीज बिल्कुल यूनिक थी क्योंकि मैंने ऐसी कोई डिवाइस नहीं देखी थी। एंड जब मैंने इन डिवाइस के बारे में गूगल पर सर्च किया तो वहां पर भी मुझे कुछ ऐसी सिमिलर फोटोज देखने को मिली। एंड इसके बारे में जब मैंने और सर्च किया तो मुझे पता लगा कि 1920 में जो सोल्जर्स थे वो सेम इनी टाइप की रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करते थे। आई मीन उस टाइम ये एक बड़ी खोज थी लेकिन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस ना होने के कारण इसको कंप्रेस करके एक छोटी सी डिवाइस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड दैट्स व्हाई मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से इन रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को दिखाया है जो कि सोल्जर्स यूज करते थे। एंड इसके टाइटल में भी मूवी के टाइमलाइन को आप यहां पर नोटिस कर सकते हो। नंबर 8, अब ये डिटेल शायद ही 99% लोगों ने नोटिस की हो। मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जब इस सोल्जर्स के थ्रू राम को कुछ ग्रेनेड मिलते हैं तो राम जब इन ग्रेनेड को उठा रहा होता है तो अगर मैं इस सीन को आपको स्लोमो में दिखाऊं तो यहां पर वैकंडा राम राजू जो कि राजू के पिता थे उनकी शैडो को आप नोटिस करोगे। एंड एक्चुअली में इन द पास्ट राजू ने अपने फादर को गोली मारी थी उनके कहने पर। एंड एक्चुअली में यहाँ पर वैकंठा राम राजू की बॉडी पर बहुत सारा बारूद लगा हुआ था एंड अपने सेक्रीफाइस के साथ साथ वो स्कॉट की आर्मी से भी जीत पाए। एंड दैट्स व्हाई राम जब इन ग्रेनेड को उठाता है तो यहाँ पर उसके फादर की शैडो हमें दिखाई जाती है। नंबर 9, इन दिस सीन जब ये एरो इस फायर के बीच से निकलकर इसको लगता है तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे जब ये एरो इस फायर से पास हो रहा था तो यहाँ पर हमें राजू नहीं दिखाया जा रहा था। एंड जब ये एरो इसको लग जाता है देन इसी सीन को जब दोबारा दिखाया जाता है तो यहाँ पर इन्होंने राजू को प्रॉपर दिखाया है। एंड मे बी एडिटर शायद भूल गया था इस एरो के साथ हमें राजू को भी दिखाना था। नंबर 10, इन द क्लाइमेक्स सीन जब ये जल्दी हुई बाइक स्कॉट के बंगले पर गिरती है तो यहाँ पर सेकंड बाय सेकंड बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। वेल शुरुआत में जिस जगह पर ये बाइक गिरी थी वहां पर आप इन TNT बॉक्सेस को नोटिस करोगे। एंड दिस इज द रीजन यहाँ पर सेकंड बाय सेकंड बड़े बड़े धमाके होते हैं। नंबर 11, जब TNT की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे थे तो भीम यहाँ पर गन के कुछ बॉक्सेस को सेव कर रहा था। जब स्कॉट को उसको मारना ही था तो वहां से वो एक गन उठाकर उसको मार सकता था लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं भीम ने बहुत सारे बॉक्सेस को बचाया है। वेल एक्चुअली में भीम मल्ली को बचाकर जिस जगह पर स्टे कर रहा था वहीं पर सीता भी थी। एंड वहीं पर सीता जब राजू की बैक स्टोरी सुना रही थी तो उसी स्टोरी में उसने ये भी बताया था कि राजू ने अपने फादर से वादा किया था हर हाथ में हथियार वाला। एंड राजू जब यहाँ से गया था तो यही सेम वादा वो इन गांव वालों से करके गया था। वेल अगर देखा जाए तो भीम ने राजू के वादे को पूरा किया है। एंड मेकर शोइंग दिस डिटेल सो क्लेवरली। नंबर 12, मूवी के सॉन्ग में एक सीन था जिसमें भीम राजू को अपने कंधे पर बिठाकर अप डाउन कर रहा था। वेल एक्चुअली में इसके थ्रू मेकर समय इस आइकॉनिक सीन का हिंट दे रहे थे जिसमें भीम राजू को अपने कंधों पर बिठाकर रेस्क्यू करता है। एंड इफ यू सी मोर डीप तो इसी सॉन्ग में राजू भी पुलअप्स कर रहा था। एंड जब वो इस जेल में बंद था तो यहाँ पर भी वो पुलअप्स कर रहा था। नंबर 14, मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब राजू एंड भीम पहली बार फेस ऑफ फेस करते हैं तो यहाँ पर नोटिस करना राजू इस बच्चे को बचाने के लिए भीम को एक प्लानिंग बता रहा होता है। तो अगर आप राजू के हाथों की मूवमेंट को नोटिस करोगे यहाँ पर वो शो कर रहा था तुम राइट साइड से जंप करोगे एंड उस बच्चे को मेरे पास थ्रो करोगे एंड मैं उसे कैच कर लूंगा। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से भीम ने राइट साइड से जंप किया था एंड राजू ने लेफ्ट साइड से। एंड इसी के अकॉर्डिंग भीम ने इस बच्चे को थ्रो किया एंड राजू ने इसको कैच कर लिया। लेकिन जिस तरीके से राजू ने इस बच्चे को फेंका था मुझे लगा था इस बच्चे की टांग वांग तो टूटी गई होगी लेकिन थैंक गॉड ये ठीक था। नंबर 15, इस सीन में जैनी के हाथ में आप एक कैमरे को नोटिस कर सकते हो। वेल एक्चुअली में ये कैमरा याशिका 124G है एंड याशिका एक जापानी कंपनी थी एंड इसका यही फर्स्ट मॉडल याशिका 124G फर्स्ट सोल्ड आउट हुआ था 1970 में। वेल अगर देखा जाए मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि मूवी की टाइमलाइन चल रही है 1920 में और ये कैमरा ही फर्स्ट सोल्ड आउट हुआ था 1970 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेकर्स के थ्रू ये एक मिस्टेक थी। नंबर 16, इस सीन में सांप का जहर जब राजू की बॉडी में फैल जाता है तो राजू को देखते ही भीम यहाँ पर बोलता है भाई। लेकिन अगर इसके सबटाइटल्स को आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कॉल आउट हो रहा था राजू। वेल जब किसी अदर लैंग्वेज की हिंदी डबिंग की जाती है तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस किए जाते हैं लेकिन इसका जो हिंदी डब हुआ है उसको एज इट इज ही डब किया है। जैसे भीम यहाँ पर राजू को भाई बोल रहा है तो एक्चुअली में वो उसको भाई ही बोल रहा था। एंड ये डिटेल आप तब नोटिस कर पाओगे जब NTR के लिप सिंक को ध्यान से देखोगे। नंबर 17, इस एंटायर मूवी में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ जगहों पर राजू के कैरेक्टर को फायर के साथ दिखाया गया है एंड भीम के कैरेक्टर को वाटर के साथ। जैसे इस क्लाइमेक्स वाले फाइट सीक्वेंस में जब इन दोनों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तब भी राजू की साइड फायर थी और भीम की साइड वाटर। अब इसके
अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि इनको ऐसा ही क्यों दिखाया गया, जिसमें से एक रीजन है जो कि मुझे लगता है राजू उस आग की तरह था जो कि कई सालों से जल रहा था अपने फादर को किए हुए वादे के लिए जो कि हर हाथ में हथियार देने का था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। दैट्स व्हाई वो इस अग्नि में जल रहा था एंड भीम को वाटर से रिप्रेजेंट किया गया है और वाटर का काम होता है आग को बुझाना और कभी कभी इसको भड़काना भी। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जब कहीं भयंकर आग लगती है तो वहां पर पानी डाला जाता है तो वह आग बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि पानी यानी वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है और जब आग ज्यादा ही हो तो पानी भी उसके आगे भाप बन जाता है। जब इनकी आपस में फाइट हुई थी तो कभी राजू भीम पर भारी पड़ जाता था तो कभी भीम राजू पर, एंड जब इन दोनों ने मिलकर फाइट की तो स्कॉट का पूरा साम्राज्य जलकर डूब गया। नंबर 18, इस सीन में राजू जब भीम को अरेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो भीम से आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहा था एंड द रीजन इज ही फील्स गिल्टी बिकॉज वो जानता था वो कहीं ना कहीं भीम को धोखा दे रहा है। दैट्स व्हाई ही नॉट डूइंग आई कॉन्टेक्ट। नंबर 19, इस सीन में भीम जब इस तहखाने के गेट को तोड़ता है तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये गेट अपनी अटैचमेंट से ही टूट गया था एंड दिस इज इंडिकेटिंग हाउ द पावरफुल इज भीम। नंबर 20, आफ्टर फिनिश जेनीज पार्टी जब राजू भीम को गुड बाय बोलता है तो राजू जब इस कार के पेंट को देखता है तो इसके रिएक्शंस थोड़े चेंज हो जाते हैं एंड यहीं पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक सडन मिस्टीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक में चेंज हो जाता है एंड दिस इज इंडिकेटिंग नाउ राजू इन द इन्वेस्टिगेशन मोड। नंबर 21, इस सीन में राजू जब भीम के टीममेट का पीछा करता है तो उसका पीछा करते करते इस जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे एंड एक्चुअली में यहां पर SS राजामौली ने अपने इंडियन कल्चर को दिखाया है जो कि आपने ये डिटेल नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होगी। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो अघोरी कांवड़ यात्री, यहाँ पर दहीहांडी हो रही है, यहाँ पर वॉरशिप पिंडदान, यहाँ पर हवन, यहाँ पर डांडिया खेलती हुई कुछ गर्ल्स हैं एंड यहाँ पर यमुना जी में लोग नहा रहे हैं एंड इस वाले डांस के बारे में मुझे पता नहीं, अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड यहाँ पर जो यमुना दिखाई गई है उसका पानी भी ब्लैक है एंड रियल में यमुना का पानी ब्लैक ही है एंड दी ओवरऑल इस सीन में SS राजामौली ने अपने पूरे इंडियन कल्चर को दिखाया है एंड मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये डिटेल नोटिस नहीं की होगी। नंबर 22, इन द बिगिनिंग जब भीम भेड़िए को पकड़ने की तैयारी कर रहा था तो यहाँ पर सडन शेर उसका पीछा करने लगता है एंड इसकी वजह से भीम और उसके टीममेट थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं एंड यहाँ पर जब जग्गू वेनम को थ्रो करता है तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो उसने ये वेनम भीम के हाथ में नहीं बल्कि साइड में फेंक दिया था एंड द रीजन इज वो शेर को देखकर घबरा गया था। लिटरली गाइस इस डिटेल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नंबर 23, अब ये डिटेल किसी भी पर्सन ने नोटिस नहीं की होगी, इस सीन में राजू जब इस ब्रिज पर इस घोड़े और रस्सी को लेने के लिए आता है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये घोड़ा गाड़ी मूवी के मेकर्स के थ्रू स्टक की गई थी ताकि ये हॉर्स यहाँ से अपने आप से भागे ना, जो कि गुड डिसीजन था डायरेक्टर का। एंड इसके अगले सीन में जब इसको दिखाया जाता है तो यहाँ पर कोई भी स्टकर नहीं लगा था एंड रियली में ये डिटेल किसी ने भी नोटिस नहीं की होगी। नंबर 24, इस सीन में भीम जब इस बाइक को किक मार रहा था तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो सीन फास्ट होने की वजह से NTR ने इस किक को मिस कर दिया था एंड द रीजन इज इस सीन में NTR को सिचुएशन के हिसाब से बहुत फास्ट मूव करना था एंड मे बी इसलिए ये चीज उनसे मिस हो गई थी एंड डायरेक्टर ने इस सीन को एज इट इज ही दिखा दिया। नंबर 25, इन द क्लाइमेक्स सीन जब भीम का ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बाइक को उठाकर राउंड घुमाता है तो बहुत से व्यूअर्स को ये लगा था कि इस बाइक को रस्सियों के सहारे बांधकर राउंड घुमाया गया था। तो अगर मैं इस सीन को स्लोमो में दिखाऊं तो यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो NTR ने अपने हाथ की उंगलियों को ही फोल्ड कर रखा है एंड यहाँ पर बाइक एंड हाथ की मूवमेंट थोड़ा ग्लिच कर रही है एंड ये डिटेल आप नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं कर सकते। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस्ड एट 0.25x स्पीड। मैंने बहुत सारी मूवीज को 0.25x की स्पीड से देखा है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो एक बार उनको भी चेकआउट करना। अगर कैसे भी वीडियो पर नए आगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मैंने एक सेकंड चैनल भी बनाया है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो यार उसको तो जरूर से सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।